दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले में भारत ने अब नया रिकॉर्ड बना लिया है। बीते 24 घंटे में भारत में 3,14,835 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 2,104 मौतें हुई हैं। देश में फिलहाल 22,91,428 एक्टिव मरीज हैं, वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 1,84,657 पर पहुँच गया है। कोरोना को रोकने स्वास्थ्य विभाग अब तक 13,23,00,000 लोगों को वैक्सीन दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिगड़ते हालात को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है, वहीं नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में हाहाकार मचा रहे कोरोना और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मोदी सरकार को नोटिस भेजकर यह पूछा है कि कोविड से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है। सर्वोच्च अदालत ने 4 अहम मुद्दों पर सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा लॉकडाउन करने के अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हों, कोर्ट को नहीं। बताते चलें कि कोरोना पर दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता, इलाहाबाद और ओडिशा समेत 6 हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि यह कन्फ्यूजन और डाइवर्जन पैदा कर रहा है। हम राज्य सरकारों के पास लॉकडाउन की घोषणा करने की शक्ति रखना चाहते हैं। न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी 23 अप्रैल को होने वाली है। कोरोना वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के 3 रेट जारी किए हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग कीमत तय की गई है। इस पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई और ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाज़त कैसे दे सकती है। सोनिया गांधी ने कहा है कि एक वैक्सीन निर्माता 3 तरह के रेट कैसे तय कर सकता है, इससे राज्य सरकारों पर संकट बढ़ेगा और आम आदमी को वैक्सीन के लिए अधिक पैसा देना होगा। सोनिया गांधी ने इस नीति को तुरंत वापस लेने की अपील की है। वहीं राहुल गांधी ने भी केंद्र की कोविड रणनीति पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि देश में तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ और प्रभु के गुण गाओ। भारत में बढ़ती महामारी के कारण अब कोरोना वैक्सीन की चोरी और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। आज चोरों ने हरियाणा के जिंद इलाके के एक सरकारी अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की 1710 डोज गायब कर दी। बताया जा रहा है कि चोरों ने यहाँ के PPC सेंटर का ताला तोड़कर 1270 कोविशील्ड और 440 को वैक्सीन की डोज चुरा ली। फिलहाल जिंद के किसी भी सेंटर में अब वैक्सीन नहीं बची है। वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अस्पताल से रेमडेसिविर के 45 इंजेक्शन लूट लिए गए। मरीजों के परिजनों पर इंजेक्शन लूटने का आरोप लगा है। इससे पहले दामोह में कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लूट ले गए थे। ऐसी घटनाएं कोरोना उपचार इंतजामों की सुरक्षा के लिए आगाह करने वाली हैं। अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर अपने नागरिकों को भारत यात्रा नहीं करने की सलाह दी। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के बाद भारत के लिए 4th सरकार ट्रेवल हेल्थ एडवाइजरी जारी किया है, जो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उच्च स्तर का संकेत देता है। वहीं फ्रांस ने भी शनिवार से भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर नया प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। सरकारी प्रवक्ता गैब्रियल अटल ने बताया कि भारत में जिस तरह कोरोना बढ़ा है, उससे संक्रमण फैलने का खतरा है। हालांकि योजना के मुताबिक फ्रांस 3 मई से घरेलू यात्रा पर लागू प्रतिबंधों को हटा लेगा, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक वहां नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दरअसल भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 1,60,00,000 पर पहुँच गए हैं। भारत में कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र राज्य से सामने आ रहे हैं। यहाँ 15 दिनों के सख्त लॉकडाउन के बीच बीते 24 घंटे में 67,468 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 568 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 6,97,467 एक्टिव कोरोना केस हैं। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य की उद्धव सरकार ने 1 मई तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़कर बाकी सभी पर प्रतिबंध है। जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। सरकार का मानना है कि ब्रेक द चेन अभियान से कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश में दो दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। इसके चलते तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। भारी हिमपात और बारिश के चलते सूबे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला शहर और जिले के अन्य हिस्सों में भारी मात्रा में ओलावृष्टि होने से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने पड़े हैं। वहीं 201 सड़कों पर भी आवागमन रोक दिया गया है। फिलहाल 24 अप्रैल तक राज्य में मौसम का मिजाज खराब रहने का अनुमान है। बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दर्शकों के बीच भाईजान की राधे का कितना बेसब्री से इंतजार हो रहा था, इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज होते ही यह ट्रेलर यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड में छा गया। कोरोना संक्रमण के बीच सलमान की यह फिल्म देश की ऐसी पहली फिल्म होगी जो एक साथ मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी। मुंबई का बॉलीवुड आजकल कोरोना की चपेट में है। टीवी और फिल्मों के कई अभिनेता और नामचीन कलाकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल, नील नितिन मुकेश, डांस दीवाने रियलिटी शो के होस्ट राघव जुआल का नाम शामिल है। वहीं लॉकडाउन में लाखों प्रवासियों को उनके मुल्क जाने में मदद करने वाले और कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बन रहे अभिनेता सोनू सूद भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित होने के बाद सभी कलाकारों ने खुद को होम आइसोलेशन में क्वारंटीन कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को रोकने 15 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उसका कड़ाई से पालन कराने के लिए सड़कों पर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की कमी दिख रही है। सूत्रों की माने तो कोरोना के जानलेवा कहर को देखते हुए 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से अलग कर दिया गया है। सड़कों पर निगरानी और पुलिस PCR में भी ज्यादातर युवा पुलिसकर्मियों को ही तैनात किया गया है, जो इसका सबूत देता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दरअसल मुंबई और उपनगरों में तमाम पाबंदियों के बावजूद लोग घूमते और मनमानी करते दिख रहे हैं और संक्रमण फैलाने में मददगार बन रहे हैं। इससे पुलिस और फ्रंटलाइन वर्कर भी आजी जा चुके हैं। इनमें धूप और गर्मी में खड़े रहकर वाहनों की चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ का कहना है कि लोग खुद को लेकर लापरवाह हैं, ऐसे में प्रशासन और पुलिस कितना अंकुश लगाएगा। दरअसल मुंबई में कोरोना से अब तक सैकड़ों पुलिसकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक में हुई ऑक्सीजन लीकेज और 22 मरीजों की मौत के बाद महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति यंत्रणा को लेकर चिंता बढ़ गई है। आज नई मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर ने कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समुचित सप्लाई बहाल करने और तकनीकी सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। मुंबई में कोरोना संक्रमण ज़्यादा है, इससे निपटने के लिए मनपा व्यापक तरीके से उपचार सेवा सुविधा जुटाने में लगी है। आयुक्त बांगर ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। आज के बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 India Live। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।